हरिओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके श्रणयत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सियाराम साथियों, नमस्कार साथियों। इसलिए जय जयकर आपका यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। साथियों, एक वीडियो में मैंने मासिक राशिफल बताते समय आपसे जिक्र किया था कि ग्रहों की दृष्टि की वजह से, ग्रहों की स्थिति की वजह से हमारे स्वभाव में, आमदनी में, कार्यों में शुभ अशुभ प्रभाव प्राप्त होते रहते हैं। उसी में जिसे मंगल अग्निकारक ग्रह होता है, मंगल का नाम ही है अंगारक, संस्कृत में उसको अंगारक कहते हैं। और अंग अंगार काय नमः, उनका जब भी करते हैं ओम ओम अंग अंगार काय नमः, जिसे तांत्रिक उसमें ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सब होमाय नमः, लेकिन वैदिक मंत्र में ओम अंग अंगार काय नमः। तो अंगारक है, अग्नि का स्वरूप है, और उसी को अरबी भाषा में हम जल्लादे फलक कहते हैं। जल्लादे फलक मतलब आसमानी हत्यारा। तो मंगल के कुपित होने की वजह से, मंगल के दृष्टि होने की वजह से जो है आदमी के अंदर उत्तेजना क्रोध का वातावरण व्याप्त होने लगता है। और जानते हैं कि क्रोध पाप कर्मूल, क्रोध ही है वो पाप की जड़ है। क्रोध आ गया, आपने किसी की हत्या कर दिया, हत्या हो गई, आपने किसी को मार दिया, किसी को आपने हाथ पैर तोड़ दिया, किसी को आपने गाली दे दिया, लेकिन कार्य करने के पश्चात महसूस होता है कि हमने अपराध कर दिया। लेकिन हो जब अपश्चाताप होते, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, यह क्रोध को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि क्रोध, काम क्रोध मद लोभ, ये चार जो होते हैं, जो ये जो हमारे आदमी को बनाने बिगाड़ने वाले, यही मतलब चारों ये तत्व हैं, जो कि काम क्रोध मद लोभ, जिन पर विजय प्राप्त कर लिया महात्मा बन गया, आज जो इनमें लिप्त हो गया वो बिगड़ गया। तो साथियों, क्रोध पर काबू पाना कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन क्रोध को कैसे कम किया जाए, जैसे अपने एक वीडियो में बताया था कि जब आप गुस्सा आवे तो ओम अपने को नियंत्रित करें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। चूँकि सोम मन होता है चंद्रमा, चूँकि चंद्रमा मन का कारक होता है, आप सोम को याद करेंगे मस्तिष्क में शांति आएगी, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी हमको धैर्य चाहिए। तो लेकिन एक दैनिक उपयोग में छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में कोई आदमी अत्यंत क्रोधी है, उसको कैसे उसका क्रोध दूर किया जाए। तो एक छोटा सा उपाय है कि वो व्यक्ति कभी भी कहीं से आवे, आपके परिवार में आप ध्यान रखें कि जब भी वो घर में प्रवेश करे, एक शीशे गिलास में उसके नीचे प्लेट लगा करके या तो आप ट्रे में रख करके उसके सामने आप जल पेश कर दें, तो चाहे वो पिए या न पिए, आप भैया पी लो तो पी ले और अच्छा है, नहीं पिएगा तभी कोई बात नहीं, लेकिन आपने जल पेश किया इसकी वजह से आप देखेंगे यह एक जैसे ये टोटके रूप में मतलब ये काउंट किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा, उसका क्रोध कुछ शांत होता रहेगा और घर का वातावरण भी थोड़ा सा खुशनुमा होने लगेगा। तो एक छोटा सा मैंने उपाय बताया कि जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता हो, कहीं से आवे बाहर से, उसको एक गिलास पानी भेंट कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा। तो आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आपको उससे अवगत होते रहें। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को शुरू संत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।